अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले के बाद दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो उठी है। 15 अगस्त को आतंकी या फिर खालिस्तानी हमले की संभावनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कल अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। उन्होंने कहा कि देश में 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप जैसा हमला हो सकता है, ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा। आयुक्त ने मंगलवार को तैयारियों को लेकर दूसरी मीटिंग बुलाई है और दूसरी तरफ 15 अगस्त के दिन टारगेट किलिंग के इनपुट मिले हैं, इसे लेकर पुलिस अभी भी सतर्क नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के मुताबिक 15 अगस्त की तैयारियां एक महीने पहले ही शुरू हो जाती हैं और तैयारियों को लेकर पुलिस आयुक्त ने कल सीनियर अफसरों समेत सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों को बैठक में बुलाया। उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि दिल्ली में इस तरह की वारदात ना हो पाए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने कहा कि स्टाफ को जल्द से जल्द सक्रिय किया जाए, पिछले साल की तरह इस साल भी सुरक्षा के वही कदम उठाए जाएं जो पिछली बार उठाए गए थे। दूसरी तरफ स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अभी तक आतंकी हमले के इनपुट तो नहीं मिले हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस बार आतंकी हमला होने की कम संभावना है। इस बार गैंगस्टर और बदमाश टारगेट किलिंग कर सकते हैं, इसके कुछ इनपुट ज़रूर मिले हैं। साथ ही खालिस्तान समर्थक गुरुपतवंत पन्नू 15 अगस्त पर जगह जगह खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, ये इनपुट भी मिले हैं। पन्नू की ओर से दिल्ली का माहौल खराब करने की पूरी संभावना है, ऐसे इनपुट हैं। आपको याद होगा किस तरीके से अमेरिका में थॉमस क्रुक्स नाम के एक युवक ने डोनाल्ड ट्रंप पर एक सभा के दौरान हमला कर दिया था और क्रुक्स ने एआर शैली की असॉल्ट राइफल से 8 गोलियां चलाई थी। एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई गुजरी थी और हमले में एक ट्रंप समर्थक की मौत हो गई थी, 2 अन्य घायल हुए। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 20 साल के हमलावर को मौके पर ही मार गिराया था। लेकिन इस पूरी वारदात पर सुरक्षा पर ही सवाल उठ रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद क्रुक्स AJR इंटरनेशनल इंक फैक्ट्री की छत पर पहुंचने में आखिर कामयाब कैसे हुआ। स्थानीय आउटलेट WPXI के मुताबिक क्रुक्स को गोली चलाने से 26 मिनट पहले इमारत पर देखा गया था और बीवर काउंटी इमरजेंसी सर्विसेज यूनिट के एक पुलिस अधिकारी ने गोलीबारी से पहले बंदूकधारी की फ़ोटो भी ली थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि ये साफ नहीं है कि बटलर काउंटी फॉर्म जो शो ग्राउंड्स के बाहरी घेरे की सुरक्षा देखने वाले स्थानीय अधिकारियों ने गनमैन के बारे में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को चेतावनी दी थी या नहीं। बटलर टाउनशिप पुलिस के एक अधिकारी ने गोलीबारी से ठीक पहले अपनी साथी अधिकारी के कंधों पर चढ़कर इमारत के छत का मुआयना भी किया था और तब उनकी नज़र कैसे नहीं क्रुक्स पर पड़ी और ये कहा गया कि क्रुक्स द्वारा राइफल तानने पर वो पीछे हट गए। बटलर सिटी पुलिस डिस्पैचर ने द पोस्ट को बताया कि AJR ग्राउंड्स को सुरक्षित रखने का काम पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस को सौंपा गया था और स्टेट पुलिस ने सोमवार को इसके ऊपर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। तो अमेरिका की जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराने में लगी हैं, लेकिन अभी तक सुरक्षा चूक और हमले के मकसद का पता नहीं लग पाया है। इस हमले ने सुरक्षा उपायों पर भरोसा और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। तो जो कुछ भी हुआ है अमेरिका में, उसके बाद भारत सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस ने इसके लिए इस हमले के मद्देनज़र दिल्ली में आने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा बहुत ही टाइट रखने का फैसला लिया है और इसे लेकर एक अहम बैठक भी कर ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।